हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आपने पनीर मंचूरियन तो बहुत खाया होगा, पर क्या कभी आपने आलू मंचूरियन ट्राई किया है। अगर नहीं किया तो एक बार जरूर ट्राई करो, उसके बाद आप पनीर मंचूरियन का स्वाद ही भूल जाओगे और उसके बाद आप सिर्फ आलू मंचूरियन ही खाओगे। तो आलू मंचूरियन बनाने के लिए हमारे पास होना चाहिए 4 आलू, और ये हम लोग जो बना रहे हैं 4 आदमी के लिए बना रहे हैं। उसके बाद हमने ले लिया है यहाँ पे 2 शिमला मिर्च। तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे 2 प्याज और उसको काट के हम लोग उसका लेयर्स अलग कर देंगे। फिर हमने बना लिया है 1 बड़े लहसुन का पेस्ट, और फिर 4 मिर्ची लेके हम लोग उसके हाफ कट कर देंगे। फिर थोड़ा सा अदरक है हमारे पास, उसका हमने पेस्ट बना लिया है। अब हम लोग चलते हैं आलू के मैरिनेशन के प्रोसेस पे। तो सबसे पहले जितने भी आलू है सबको हम लोग एक बॉल में रख लेंगे। फिर उसके अंदर डालना है हमें 2 चम्मच अरारोट, फिर हमारे पास यहाँ पे 2 चम्मच मैदा। इन दोनों चीज़ को हम लोग आलू में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमें इसको क्रिस्पी बनाना है। फिर इसके अंदर डाल देंगे हम लोग लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच के करीब, एंड फिर डाल देंगे यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच। फिर थोड़ा सा हमने ले लिया है यहाँ पे काला मिर्च, वो है 1 चम्मच के करीब, 1 छोटा चम्मच। फिर थोड़ा सा हमारे पास मेथी पत्ता है, इसको हम लोग क्रश करके इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे नमक, नमक हम लोग ले रहे हैं 1 चम्मच, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से आलू के साथ मिक्स करना है। अगर आप चाहो तो इस पाउडर को अलग भी बना सकते हो और बाद में आलू को उसमें मिक्स कर सकते हो, और अगर चाहो तो आप आलू में डायरेक्ट इसको डाल के भी मिक्स कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको किस तरह से बनाना पसंद करोगे। तो अब इन सबको अच्छे से आलू में कोट कर देना है हमें। उसके बाद हमारे पास जो अदरक का पेस्ट था वो हम लोग इसके अंदर डाल देंगे, और फिर हमारे पास लहसुन का पेस्ट था वो भी डाल देते हैं हम लोग इसके अंदर, एंड हमारे पास यहाँ पे 1 छोटा चम्मच पानी डाल देंगे जिससे ये आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए और ये अच्छे से आलू के साथ चिपके, इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 चम्मच पानी का यूज़ किया है। आपको यहाँ पे ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं यूज़ करना है, वरना हो सकता है ये अलग से इसका छूटने लगे मतलब। तो पानी डालने के बाद देख सकते हो अच्छे से इसके ऊपर चिपक गया है हमारा, जितना भी हमने यहाँ पे बनाया था पाउडर वो अच्छे से इसके साथ चिपक चुका है। तो फाइनली हम लोग चलते हैं इसके फ्राइंग के प्रोसेस पे। तो फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे ऑयल और ऑयल को गर्म कर लेंगे, और जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा उससे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं ऑयल गर्म है कि नहीं, और जब गर्म अच्छे से हो जाए तभी आपको इसके अंदर आलू डालना है। और आपको यहाँ पे फ्राइंग करते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो गैस का फ्लेम है वो मीडियम टू हाई होना चाहिए। अब इन सब आलू को इसके अंदर डाल के हमें इसको अच्छे से 5 से 6 मिनट तक फ्राई करना है। आपको इसको तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसके बाहर का लेयर एकदम क्रिस्पी ना हो जाए, और आपको साथ साथ बीच बीच में चलाते भी रहना है इसको, वरना हो सके जल जाएगा। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हो धीरे धीरे जैसे जैसे हम इसको चला रहे हैं और आगे जा रहे हैं तब तक, और इसका जो बाहर का लेयर है वो क्रिस्पी होता जा रहा है और इसका कलर चेंज होते जा रहा है। तो देख सकते हो फाइनली अब ये ऑलमोस्ट यहाँ पे हो चुका है, पूरा इसका फ्राई कंप्लीट हो चुका है। सो चलो अब इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो देख सकते हो इसके अंदर अच्छे से फ्राई हो चुका है पूरा, तो इसको हम लोग एक प्लेट में निकाल के बाहर रख लेते हैं। और ऐसे ही जितने भी आलू हैं हम सबको फ्राई कर करके निकाल लेंगे। तो देख सकते हो आप चाहो तो इसको ऐसे भी खा सकते हो, बट अब हम लोग को इसको अंदर ग्रेवी लगाना है। सो चलो अब ग्रेवी लगाना स्टार्ट करते हैं। तो फिर से हम लोग अच्छे से यहाँ पे ले लेंगे और एक कढ़ाई को गर्म कर लेंगे, उसके अंदर डाल देंगे तेल और तेल को गर्म होने का वेट करेंगे। उसके बाद जो हमने मिर्ची काटा था वो हम लोग इसके अंदर डाल देते हैं और थोड़ा सा इसको भून लेते हैं। उसके बाद हमने जो लहसुन का पेस्ट बचाया हुआ था आधा हमने उसके अंदर डाला था और आधा हमने बचा के रखा हुआ था वो हम लोग इसके अंदर डाल देंगे। और फिर से हम लोग ले लेंगे यहाँ पे प्याज, जो हमने प्याज काट के रखा था। प्याज डालने के बाद अब प्याज को हम लोग हल्का सा भून लेना है, और फिर हम डाल देंगे इसके अंदर शिमला मिर्ची। अब इन सबको अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर देते हैं।
अब थोड़ा सा इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं नमक। नमक हम लोग डाल देंगे, इससे अभी तक जल्दी से पक जाएगा हमारा शिमला मिर्ची और जल्दी गलने लगेगा। और फिर इसका टेस्ट को हम लोग बैलेंस करने के लिए डाल रहे हैं 1 चम्मच चीनी। अब इन सबको अच्छे से फिर से मिक्स कर देते हैं। अब हमारे पास जो है यहाँ पे अदरक का पेस्ट बचा हुआ था, हम लोग अदरक का पेस्ट डाल देंगे इसके अंदर। तो फाइनली देख सकते हो ये अच्छे से अभी हमें पक रहा है। अब इसके अंदर हम लोग को अब डालना है टोमेटो सॉस। तो टोमेटो सॉस डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम लोग। एंड हमारे पास है यहाँ पे सोया सॉस, तो हम लोग सोया सॉस भी डाल देते हैं। हम लोग यहाँ पे 2 बड़े चम्मच के करीब सोया सॉस डाल रहे हैं इसके अंदर। और इसके बाद हमारे पास है विनेगर, तो विनेगर भी हमने यहाँ पे 1 ढक्कन डाल दिया है। अब इन सबको डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। सो अगर आपके पास इसको आप तीखा करना चाहते हो और ज़्यादा, तो आप इसके अंदर चिली सॉस डाल सकते हो। तो अब इसको 5 से 6 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर देते हैं और अच्छे से इसको पका लेते हैं सबसे पहले। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं आरारोट 1 चम्मच और इसके अंदर हम लोग डाल देंगे थोड़ा सा पानी। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इससे करके जो हम लोग का मंचूरियन है उसका जो ग्रेवी है आप उसको गाढ़ा कर पाओगे मतलब। सो इसलिए हम लोग ये स्टेप करते हैं यहाँ पे, आरारोट को उसके अंदर पानी के अंदर मिक्स करके डालना। इससे जो हमारा ग्रेवी है बहुत ज़्यादा थिक बनता है। अब इन सबको अच्छे से फिर से मिक्स कर देंगे। अब हम लोग इसके अंदर डाल देते हैं यहाँ पे 1/2 कप पानी। और पानी डालने के बाद इसको हम लोग फिर से अच्छे से चला देंगे। और इसको अब चलाते चलाते पकाएंगे हम लोग थोड़ी देर, क्योंकि जब तक हमारा मसाला नहीं पकेगा तब तक हम लोग वेट करेंगे। और जब देख सकते हो अच्छे से जब इसके अंदर मसाले के अंदर उबाल आ जाए, तो हम लोग फाइनली अपना जो आलू हमने फ्राई किया था वो इसके अंदर डाल के हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद देख रहे हो बहुत ज़्यादा अच्छा सा दिखने लग गया है अभी से हमारा। तो इसके अंदर आलू डालने के बाद आपको 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से चला देना है। जो आलू अच्छे से इसके साथ भी अच्छे से पक जाए। और देख सकते हो हमारा यहाँ पे रेसिपी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।